नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के विषय में बात करेंगे, जो इसकी जो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ है जैसे, और इसके बाद जो इसका आयोजन किया गया था, पीटी के एग्जाम का कब आयोजन किया गया। तो इसमें देखिए बात करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्जाम है, तो इसमें लोगों की मांग है क्या इसको कैंसिल किया जाए। देखिए, क्या पेपर कैंसिल हो सकता है? देखिए पूरी बात जानेंगे। तो इसमें देखिए, इनके द्वारा ये भेजा गया ये पत्र है, मनोज कुमार सिंह के द्वारा मुख्य सचिव। देखिए इसमें बात करेंगे। देखिए, पीटी परीक्षा का आयोजन कब हुआ, कब कराया गया था? देखिए, पीटी परीक्षा का जो आयोजन हुआ था, ये हमारा 2 शिफ्ट में हुआ था। 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्टों में देखिए हुआ था। अब इसमें लोगों का कहना है कि देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो ये है ना, तो इसमें क्या हुआ है कि ये वाला कैंसिल किया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही कैंसिल किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बोलते हैं लीक हुआ है, और लीक तो दोस्तों हुआ ही है, ये पेपर लीक ही हुआ है। क्योंकि देखिए, 11:55 पे ये व्हाट्सएप पे आ गया था, 11:55 पे ये देखिए व्हाट्सएप पे ये एग्जाम का पेपर पहला शिफ्ट का आ गया था। इससे लोगों का कहना है कि देखिए कि ये एग्जाम जरूरी कैंसिल किया जाए। अब देखिए, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो अब इसमें देखिए, आयोग मान नहीं रहा, आयोग इसको पेपर को कैंसिल करने के लिए नहीं मान रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए लोग क्या कहना है। लोगों का कहना है कि पीटी परीक्षा रद्द करो, पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि पहली पहली पारी का जो पेपर लीक हुआ है। क्योंकि देखिए, वास्तव में पहली पारी का पेपर लीक ही हुआ है। और या फिर इसमें देखिए, क्या इसका प्रोसेस दूसरा भी किया जा सकता है? लोगों का कहना ये कहना है कि देखिए, जो एग्जाम हो रहे हैं, लेखपाल का हुआ, लेखपाल जूनियर असिस्टेंस हुआ, और देखिए अन्य जो भी एग्जाम है, सभी में सभी को मौका मिलना चाहिए। या फिर पीटी का एक एग्जैक्ट वो बता दें क्या रहेगा, कौन से क्वालिफाइड है क्या नहीं, बिल्कुल लो कट ऑफ जाए। देखिए इसमें क्या कहना है, देखिए 2021 में छात्रों की मांग क्या है, लेखपाल जूनियर असिस्टेंट तथा अन्य परीक्षाओं में बैठने का मौका भी दिया जाना चाहिए, तो सभी को दिया जाना चाहिए। तो उसी के विषय में देखिए, ये जो पीटी का जो धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, तो देखिए कल होगा, 5 सितंबर से इसका धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, सभी लोग, जो लोग ये चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो, तो सभी लोगों को इसमें भाग लेना है, सभी लोगों को इस धरना प्रदर्शन में भाग लेना है। तो देखिए इसमें धरना प्रदर्शन कब होगा, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी के चीफ जो पंकज पांडे का कहना है, देखिए ये धरना प्रदर्शन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग चयन 5 सितंबर 2021 को 11 बजे गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा प्रयागराज, यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए, पीटी सर्वर कोरोना लॉकडाउन के कारण वंचित रहे सभी, मतलब धांधली या पेपर आउट होने के कारण ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सभी लोगों की मांग, देखिए हम सब लोगों की मांग है, इस वर्ष पीटी रद्द कर लेखपाल व अन्य सभी गा की भर्तियों को सीधे माध्यम से कराया जाए। तो लोगों का देखिए सही कहना है, यार ये पीटी कैंसिल, यार एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। तो सभी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग जाएंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे 5 सितंबर को, तो आपको ये मौका जरूर मिलेगा। तो जो लोग, आप लोग चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन हो और ये पीटी एग्जाम कैंसिल हो, और सभी लोगों को लेखपाल और पीटी में लेखपाल हुआ जूनियर असिस्टेंट और सारी वैकेंसी में बैठने को मिले, तो आप लोग जरूर जाइएगा, ये धरना प्रदर्शन जरूर करिएगा। तो इसके आगे ही देखिए, जो कुछ होगा वही आयोग बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है उसी हिसाब से। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसके जो भी और भी अपडेट होंगे हम सब बताते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।